बड़ी मुश्किल है, खोया मेरा दिल है, कोई उसे ढूंढ के लाए ना। बड़ी मुश्किल है, खोया मेरा दिल है, कोई उसे ढूंढ के लाए ना। जाके कहां मैं रपट लिखा, कोई बतलाए ना। मैं रो या हंसूं, करूं मैं क्या करूं। चलिए कॉर्ड्स देख लेता हूँ। तो पहले फ्रेट पे केपो लगाइए, उसके रिस्पेक्ट में कॉर्ड बता रहा हूँ मैं, ठीक है। तो जो पहला कॉर्ड है वो है जी मेजर, जी मेजर। उसके बाद है डी मेजर, डी मेजर। उसके बाद है सी मेजर, सी मेजर। उसके बाद है ए माइनर, ए माइनर। और लास्ट में ई माइनर, ठीक है। फिर से देख लेता हूँ, जी मेजर, D major, C major, A minor and E minor, ठीक है। तो I hope ये समझ में आ गया। तो चलिए चलते हैं रिदम की तरफ। जो मैंने रिदम यूज की इसमें बहुत ही सिंपल सी है, डाउन डाउन अप अप डाउन अप, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ स्ट्रोक्स 6 है इसमें, 6 डाउन डाउन अप अप एंड डाउन अप। और जो लास्ट का डाउन अप है वो एज ए फिलर भी काम करेगा जब आप कॉर्ड को स्विच करेंगे, एक कॉर्ड से दूसरे कॉर्ड पे जाएंगे, ठीक है। डाउन डाउन अप अप डाउन अप, ये कंप्लीट रिदम है। और हम डाउन अप को उसी में, फिलर को इसी में काउंट कर रहे हैं, ठीक है। तो एक्स्ट्रा डाउन अप लगाने की जरूरत नहीं है। डाउन डाउन अप अप डाउन अप, डाउन डाउन अप अप एंड डाउन अप, ठीक है। डाउन डाउन अप अप डाउन अप, अगेन डाउन डाउन अप अप डाउन अप, डाउन डाउन अप अप डाउन अप, ठीक है। तो आई होप ये समझ में आ गया हो। तो चलिए चलते हैं प्रोग्रेशन की तरफ। तो जो पहली लाइन की प्रोग्रेशन है वो है जी मेजर एंड डी मेजर, ठीक है। बड़ी मुश्किल है, खोया मेरा दिल है, कोई उसे ढूंढ के डी मेजर लाए ना। और ये लाइन हमें दो बार प्ले करनी है। बड़ी मुश्किल है, खोया मेरा दिल है, कोई उसे ढूंढ के लाए ना, ठीक है। अब इसके बाद जो प्रोग्रेशन है वो है ई माइनर, डी मेजर, जी मेजर एंड डी मेजर। जाके कहां मैं डी मेजर रपट लिखाऊं, जी मेजर, कोई बतलाए डी मेजर, ई माइनर, डी मेजर, जी मेजर एंड डी मेजर। जाके कहां मैं रपट लिखाऊं, कोई बतलाए ना, ठीक है। अब इसके बाद जो प्रोग्रेशन है वो है डी मेजर, ई माइनर एंड जी मेजर। रो या हंसूं, डी टू ई माइनर। मैं रो या हंसूं, करूं मैं क्या करूं, जी मेजर। मैं रो या हंसूं, करूं मैं क्या करूं, ठीक है। तो आई होप ये पैराग्राफ पूरा समझ में आ गया आपको। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट। अब वो उसकी जो प्रोग्रेशन शुरू हुई है वो है जी मेजर, जी मेजर, डी मेजर, ई माइनर, जी मेजर, ठीक है। सपनों में आने वाली डी मेजर, बाहों में ई माइनर, कब जी मेजर आएगी, ठीक है। तो जी मेजर, डी मेजर, ई माइनर एंड जी मेजर। सपनों में आने वाली बाहों में कब सेम प्रोग्रेशन नेक्स्ट लाइन के लिए भी है, बिल्कुल मेलोडी सेम है, बस वर्ड्स डिफरेंट है। प्रोग्रेशन जी मेजर, डी मेजर, ई माइनर, जी मेजर, ठीक है। अब जो नेक्स्ट लाइन है उसकी प्रोग्रेशन है ई माइनर, ए माइनर एंड वापस ई माइनर, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से है, ठीक है। E माइनर, A माइनर एंड E माइनर। देखो
जिधर। नेक्स्ट लाइन भी सेम है। प्रोग्रेशन थी E माइनर, A माइनर, E माइनर दोनों लाइनों के लिए, ठीक है। अब जो नेक्स्ट लाइन है उसकी जो प्रोग्रेशन है वो है C मेजर, G मेजर, C मेजर एंड D मेजर, और ये कुछ इस तरीके से है। मेरी नगर मेरा सफर वो मेरी मंजिल, C मेजर, G मेजर, C मेजर, D मेजर। उसके बाद जो हम पहले ऑलरेडी प्ले कर चुके हैं सेम वही लाइन है। दीवाना है समा जागे है अरमान, तो प्रोग्रेशन है डी मेजर, ई माइनर, जी मेजर। दीवाना है समा जागे है अरमान, ठीक है। और उसके बाद वापस हम पहले पैराग्राफ पे आ जाएंगे, और जो सेकंड वर्स है वो एग्जैक्टली पहले वर्स की तरह है, उसमें जो प्रोग्रेशन है वो सेम यूज हुई, बस वर्स डिफरेंट है, मेलोडी सेम है। तो आई होप आप उसको प्ले कर लेंगे, और अगर लेसन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा और अपने दोस्तों साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।